नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24x7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने आज 99 विधानसभा सिरसागंज से विधानसभा प्रत्याशी श्री पंकज मिश्रा जी से की खास मुलाकात। पंकज जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पहली बार समाज के सभी वर्गों को जीवन, संपत्ति और विश्वास की सुरक्षा की गारंटी के लिए कानून का शासन स्थापित किया गया था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने पर कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। हमारा शोषित, पीड़ित, दलित हर वर्ग लाभान्वित होगा। ।2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में बहुजन समाज पार्टी करेगी वापसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज 24x7। आज बात करते हैं सिरसागंज विधानसभा से। आज हमारे बीच है पंकज मिश्रा जी, बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर, जो जनता के विधानसभा की जनता के जो जनसंपर्क कर रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी जनता की मुद्दे हैं या समस्या हैं जो जिससे आप बता रहे हैं, जिससे जनता आपको वोट करेगी? एक तो अभी जो किसान भाई हैं, गाय से परेशान है जी। दिन रात मेहनत करते हैं, गाय खा जाती है, उनके लिए तो 1000 एक गाय की कैपेसिटी गौशाला सिरसागंज विधानसभा के अंदर 100 दिन के अंदर। और जो किसान भाई गौशाला खोलना चाहें गांव देहात में, 60 रुपए गाय के हिसाब से उनको दिलवाऊंगा, कम से कम 25 होनी चाहिए जी। और हमारे विधानसभा में सबसे बड़ा जो है गुंडे ही है, सपा के गुंडे कुछ गिने चुने हैं, वो आम जनता का चैन से नहीं रहने देते। एक सपाई बेसदल के भाजपा में आ गया है, मेरी समस्या 30-40 दोनों गद्दों में 25 से ऊपर तो चुकावत थाने में। सिरसागंज में घुसते लेकिन छत्रियों की जमीनों पर कब्जा किया है, कोई कागज नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ सपा की सरकार थी, अब सपा से भाजपा में आ गए, तो भाजपा में आकर के हम ये मान लो कि जो डोली के रखवाले हैं वो लुटेरे बनने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता बहुत समझदार है, लुटेरों को कभी डोली का रखवाला नहीं बनाएगी। पंकज सर, जो बात कर रहे थे आप किसानों की, सर सत्तापक्ष का दावा है किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। इसी हिसाब से आपने देखा हो, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से काफी ऐसी लुभानिया स्कीम चलाई गई। फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में सत्तापक्ष ने 36,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया। इसी के साथ आपने देखा होगा पीएम सम्मान निधि, फर्स्ट एवं सेकंड कोविड वेव के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया गया, अभी रिसेंटली मार्च तक कर दिया गया। आपको सर क्या लगता है, विधानसभा की जनता के बीच जो आप जनसंपर्क कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है किसान की आय दोगुनी हुई है नहीं? देखिए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी कह चुके हैं कि हम जुमलेबाज हैं जी, और उसका क्या कह सकते हैं, उनको क्या भरोसा किया है, कौन सा जुमला है, कौन सी सही बात है, वो सब जुमले ही रखते हैं, पब्लिक समझ चुकी है। सर, आप बात कर लेते हैं बेरोजगारी की, आपने देखा होगा ऑफ द रिकॉर्ड अपने प्रदेश में करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है। यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो युवाओं को किन किन माध्यमों से रोजगार दिलवाने का प्रयास करेंगे? वो माननीय बहन जी का स्तर का मामला है। हाँ, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में 5,000 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी 100% दिलवाऊंगा। और जो हमारे छात्र पढ़ने लिखने वाले हैं, आजकल इंटरनेट का जमाना है, सिरसागंज में 4 स्टेशन बनाए जाएंगे शहर में, जहाँ वाईफाई मुक्त होगा। और विधानसभा के अंदर कम से कम 10 ऐसे पॉइंट बनाए जाएंगे जहाँ पर वाईफाई मुक्त होगा। और जो हमारे प्रतिभाशाली छात्र हैं, अगर उनको धन की आवश्यकता है, बेचारे गरीब तबके के हैं, तो उनकी पूरी मदद करता है, आगे भी करता रहूंगा। पंकज सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने आपने देखा होगा कि अभी 10 या 15 दिन से राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आया हुआ है। राजनीतिक विशेष या विशेष व्यक्ति का नाम ना लेते हुए हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जो चुनावी रण से मारती इधर से उधर गए हैं, वो व्यक्ति विशेष ही ट्रांसफर हुआ है, उनसे जुड़ा हुआ वोट बैंक भी ट्रांसफर हुआ है, आपका क्या आंकलन है सर इसके बारे में? अब गुंडों में से गुंडे ही आएंगे, भला भी तो जाएगा नहीं। भाजपा की सरकार में जो यहाँ पर विरोध करते रहे, आज से 20-25 जने गाय माता को जो है आवारा पशु कहते रहे, आज वो गाय माता कहने पे मजबूर है वोट के लालच में, कल को फिर वो ही कहेंगे, फिर वो आवारा पशु कहेंगे। और यहाँ का जो समाज हमारा है वो शांति चाहता है सिरसा विधानसभा का। अब ये कि एक गुंडा दूसरे पार्टी पे सवार हो गया रखवाला बन के, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जिसका जो काम है वो करेगा। ऐसा पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूछ 9 महीने, बुरे में गाड़ों पर वो सीधी होती है नहीं होती, जिसके जैसे आचार विचार वही रहते हैं, वो सीधे नहीं होते। पंकज सर, जो आप पूछ की बात कर रहे हैं, पूछ का जिक्र तो 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की जनता दे देगी, किसकी पूछ सीधी है किसकी टेढ़ी है? अब सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो पड़ाव मारा है, जिसका इंतजार पूरी उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है, आप अपनी पार्टी को और अपने आप को किस जगह आकलन कर रहे हैं? पार्टी का हमारा शांत वोटर है, पैसे का
हमारा उसके पास वोट डालता है, वोट निकलते हैं, हर बार ऐसा ही होता है। और सिरसागंज विधानसभा की खास करके मैं बात करूँ, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, सिर्फ सिरसागंज विधानसभा तक सीमित हूँ। बाकी पार्टी के लोग हैं, पार्टी अपनी विचारधारा है, लोग चल रहे हैं, उसी में करूँगा। हम सिर्फ सिरसागंज विधानसभा की जनता से कहना चाह रहे हैं कि अभी आपके पास समय है, आप अपना रखवाला चुनोगे या शासक चुनोगे या सेवक चुनोगे। अगर अब की बार बातों में आएंगे तो 5 साल फिर ये जिस तरीके से आपका अभी तक खून चूसते आए उसके चूसे मानेंगे नहीं। आपको सोचना विचारना है कि आपके लिए कौन सा भाई सूटेबल रहेगा, जो आपकी बात सुने, जो आप जिसको सुबह से लेकर शाम तक कभी आप घर पर दरवाजे पे खटखटा सकते हो, उसको बुला सकते हो। अभी तो आपके दरवाजे जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जो पिछला समय गुजर गया उस समय को याद रखो, उसको मत भूलो। यहाँ पर कई ऐसे कांड हुए हैं, एक रजौरा कांड हुआ था, वहाँ ठाकुर साहब थे, उनके तो खेत से आलू भी नहीं बन रही, उनकी कम से 2-2.5 बीघा जमीन खड़ी फसल बर्बाद हो गई। एक यहाँ पे गली हुआ था गली कांड में, उसमें वो छत्रियों कहते थे, गालियां देते थे, आज उन्हीं छत्रियों के पैर पकड़ के वोट मांग रहे हैं, तो वो छत्री भूल जाएगा क्या? इतना नहीं हो सकता। कुल मिला के यहाँ पे अमन चैन शांति जाती है विधानसभा की जनता, और मैं भी अपने पूज्य गुरुदेव नाथ बाबा का शिष्य हूँ। गुरु जी ने यही बताया मुझे, जी और जीने तो मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता, उसी पर मैं चलता हूँ, उसी पर चलता रहूंगा। और इस विधानसभा क्षेत्र की जनता भी है उसी को चलेगी, जियो और जीने दो। पंकज सर, सीटों का आकलन क्या है, 10 मार्च को कितनी सीटें लेके आ रही हैं? बसपा की सरकार बननी चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर से होगा तो बसपा का जो लोगों ने देखा है कार्यकाल शासन देखा है, शांति रहता है, शांतिप्रिय शासन रहता है, तो हमारे बड़े जो सुप्रिय लीडर है वो व्यवस्था करेंगे। मैं तो सिरसागंज विधानसभा की, आप मुझसे बात कीजिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ बहुत छोटा सा आदमी हूँ, सिरसागंज विधानसभा तक सीमित हूँ। सिरसागंज विधानसभा के बारे में आप जो भी जानकारी लेना चाहें मुझसे लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ की जनता चैन अमन शांति चाहती है, जियो और जीने दो। मैं अपनी सिरसागंज नगर के वासियों से कहना चाहता हूँ, आपका भाई विधायक बनता है तो दुकान को खुली छोड़ देना, तुम्हारी दुकान से अगर कोई जबरदस्ती कोई पैसा ले जाए या सामान ले जाए मुझसे आगे पेमेंट ले जाना, अगर तुम्हारा भाई विधायक बनता है तो। और ये मेरा शहर जानता है, अगर पंकज मिश्रा ने कह दिया तो 100% पक्का, जिस कहता है वो करता है, अभी तक जो कहता है वही करता हूँ, आज तक अभी तक यहाँ बैठा हूँ तब तक। पंकज जी, आपकी पार्टी के ऊपर और आपके ऊपर एक सत्ता पक्ष का बहुत बड़ा आरोप है, जब फर्स्ट एवं सेकंड कोविड की जब वेव आई थी उस दौरान आपकी पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ पदाधिकारी सारे लोग क्वारंटाइन हो गए थे, अभी इलेक्शन को देखते हुए आप जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, आपकी पार्टी के ऊपर और आपके ऊपर सर जो आरोप है वो निराधार है या सही है? बिल्कुल निराधार है। सत्ता पक्ष आप मीडिया वाले, सत्ता पक्ष मीडिया जो होता है उसी की कहता है, हमारे लोगों ने जो काम किया वो मीडिया ने दिखाया नहीं, और सत्ता पक्ष के लोगों ने इतना काम किया उसको बड़ा चला के दिखाया गया। जिस तरीके से अभी आप देख लीजिए टीवी पे माननीय बहन जी के कितने प्रोग्राम आते हैं, बहुत कम आते हैं, और सत्ता पक्ष के जिसकी सत्ता होती है उसकी आप सब कुछ जानते हो, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं लोग, मजबूरी में रहते हैं, नहीं तो भैया चलो। हमारे साथ उपस्थित थे पंकज मिश्रा जी, सिरसागंज विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी। उन्होंने बड़े सरल सवाल से बताया, 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के परिणाम में बहुजन समाज पार्टी करेगी बात।